शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के निर्देश पर आज मुरादाबाद में शिवसेना पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में मुरादाबाद में बढ़ती ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी व प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ती अव्यवस्थाओं व कोरोना मरीजों की बढ़ती मृत्यु दर को लेकर प्रशासन को जगाने के लिए आज काली पट्टियां बांध करके अपने अपने क्षेत्रों में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। शिवसेना जिला प्रमुख ने कहा कि अधिकारियों द्वारा आम नागरिक की सुनवाई ना करके अपने संबंधियों व रिश्तेदारों व उद्योगपतियों की मदद करके अधिकारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि कालाबाजारी पर अविलंब रोक नहीं लगी तो शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा शीघ्र शिवसेना पदाधिकारियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। शिवसेना के पीतल नगरी क्षेत्र से राजीव राठौर, ताड़ीखाना क्षेत्र से अरुण ठाकुर, उमेश ठाकुर, राहुल द्वारा बालाजी मंदिर क्षेत्र से पंकज पाल तथा राहुल एमडीए क्षेत्र से मुदित उपाध्याय, तिलकराज शर्मा द्वारा बुधबाजार क्षेत्र से माननीय कमल सिंह राव, सुरेश सैनी द्वारा कानून गोयन क्षेत्र से विपिन भटनागर व रिंकू कश्यप द्वारा मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में शिवसेना पदाधिकारियों ने कार्यक्रम किया। विभिन्न क्षेत्रों में पूरे महानगर में, जिले में, तहसीलों में एक प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए समस्त शिवसेना पदाधिकारियों ने जिस तरह से गैस की कालाबाजारी हो रही है, जिस तरह से जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, जिस तरह हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही, हर जगह गरीब, कमज़ोर और सभी तरह के वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं। उन परेशानियों को प्रशासन से अवगत कराने के बाद, सब लोगों को अवगत कराने के बावजूद भी किसी भी सरकार की मदद किसी भी तरह से नहीं मिल पा रही है। आज शिवसेना ने अपने यहाँ बैठ करके ये सड़कों पे अपने अपने क्षेत्रों में एकत्रित होकर के इसके खिलाफ काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करा है और सरकार से मांग करी है कि इसके ऊपर अविलंब भी इस कालाबाजारी को रोकी जाए, न तो शिवसेना भूख हड़ताल करेगी और अपने तरह से आंदोलन चलाएगी। और जो कोरोना काल में जो हमारे लोग जो कोरोना की महामारी से समाप्त हुए हैं, उनके लिए शिवसैनिकों ने आज मौन रख करके भी उनको श्रद्धांजलि करी है।